तो अभी हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी हम थोड़ी देर में हल्द्वानी स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं, जिसे हम काठगोदाम बोलते हैं। हम काठगोदाम बस पहुंचने ही वाले हैं, और यहाँ से हमारा रास्ता स्टार्ट होगा नैनीताल के लिए, और दूसरा जो रास्ता गया है वो नीम करौली। तो अभी हम हल्द्वानी होते हुए भीमताल पहुंच चुके हैं। अब भीमताल से हम इधर से सीधे निकलेंगे। दो रास्ते गई हैं, एक जो गई है वो नैनीताल की तरफ जाती है और दूसरी नीम करौली की तरफ जाती है। अब हम यहाँ से सीधे जाके नीम करौली पे दर्शन करेंगे। तो फाइनली अभी हम नीम करौली पहुंच चुके हैं, और अभी हम यहाँ पे दर्शन करेंगे। तो गाइज़ अभी हम लोग नीम करौली से सीधे जागेश्वर के लिए निकल चुके हैं। और ये आगे शायद रोड बनना है यहाँ पर, नहीं रोड नहीं, हाँ रोड ही बनना है, साइड से ब्रिज वगैरह बनना था। तो गाइज अभी हम जागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। अभी हम यहाँ पे, तो भाई फाइनली हम जागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं, और हमने यहाँ दर्शन किए, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन हम थोड़ी देर ही रुके थे यहाँ, फिर निकलना था क्योंकि हमें फिर वापस घर भी आना था, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना।